नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जब नींव लगाई जाती है, भूमि पूजन किया जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है वहां पर, नींव कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं, किस कोण पे लगाएं, या फिर तथाकथित वास्तुशास्त्र वाले वो हमेशा ही नींव के लिए वो कह देते हैं कि ईशान में लगाइए। देखिए, नींव जब लगाते हैं तो उस समय पर भूमि पर नाग की पूजन की जाती है, और ये सारी ही पृथ्वी नाग के ऊपर ही टिकी हुई है, और भूमि पूजन में वास्तु को भी नाग ही माना जाता है। तो वो तीन दिशाओं को ढक करके रखता है, एक दिशा खुली रहती है और हर तीन महीने में एक जगह वो चेंज कर देता है। तो जो दिशा खाली होती है उस दिशा के अंदर नींव लगता है। लेकिन नींव लगाते समय पर किसी को भी हम बुला लेते हैं, कोई पंडित है, कोई पुजारी है, कोई भी है, उसी को हम बुला करके नींव पूजन करवाते हैं। अब नींव पूजन में वहां होना क्या चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं, होता है क्या ये तो आप जानो। नींव पूजन के अंदर सबसे पहले जिस दिशा में नींव लगानी है उस दिशा के अंदर गड्ढा खोदना चाहिए, और गड्ढा खोदने के बाद उसमें यह भी सोचना चाहिए कि जब मकान बनेगा तो शौचालय कहाँ होगा। वो उस नींव के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए, या नींव के ऊपर शौचालय नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए जो इन विषयों को पूर्णतः जानता हो। गणेश अंबिका का पूजन करके, नवग्रह मातृका का पूजन करके, कलश का पूजन करके, और कर सके हैं तो पुण्या वाचन करें, और वहां नाग नागिन का जोड़ा जिसके ऊपर वास्तु की पूजन करें, पांच कलश छोटे छोटे तांबे के उनका पूजन करें। तो पूजा करने के बाद 10 दीपक आप जो है तैयार कीजिए, और वो 10 दीपक तेल के भी हो सकते हैं, घी के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः घी के ही आप रखिए। 10 बत्तियां उसके अंदर, खड़ी बत्तियां आप लगाइए, थोड़े थोड़े उड़द, थोड़ा थोड़ा दही और थोड़ा थोड़ा सिंदूर वो उसके अंदर डालिए, और थोड़ा मीठा, जैसे एक गुड़ की डली ले ली उसी में से चूरा करके सबके अंदर आपने डाल दिया। 10 दिशाओं के अंदर 10 दीपक जलाइए। ये 10 दीपक क्या है? दिक्पालों की जो है पूजन है, आराधना है, अर्चना है। और ये करने के बाद भूमि की पूजन कीजिए, और भूमि की पूजन करने के पश्चात उसके अंदर सब प्रकार के अनाज आप डालिएगा। अनाज के बाद स्नेह दानम, स्नेह यानी चिकनाई, चिकनाई का मतलब हो गया तेल, उसके अंदर चारों तरफ सरसों का तेल डालें, और तेल डालने के बाद फिर वहां एक चावल और दही बूरा, ये जो है भूमि को बलि दी जाती है, भूमि को अर्चना प्रार्थना के लिए जो है भोजन उनको दिया जाता है, और उसके पश्चात पांच शिलाओं की पूजन की जाती है। मुख्यतः पांच शिला यानी पांच ईंट, उनमें पहली जो ईंट है वो नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता, और पांचवी पूर्णा। ये पांच ईंटों का पूजन कीजिए, चाहे वहां पर 7 ईंट लगे या 11 ईंट लगे वो आवश्यकता की बात है, लेकिन 5 ईंटों की आपने पूजन की, यथावत पूजन की, षोडशोपचार से पूजन की, उनसे उनको दूध से स्नान करवाया,
और पूजन करने के बाद सबसे पहले आपको चाहिए वहाँ जो विश्वकर्मा है अर्थात कारीगर जिसने चिनाई करनी है उसके औजारों की पूजा करनी चाहिए। करनी, हथौड़ी, इनका जो है पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद उसको प्रसन्न करना चाहिए और प्रसन्न करने के पश्चात फिर जब नीम लगाएं तो सबसे पहले ईंट पूरब दिशा के अंदर लगाएं। फिर पूरब दिशा में आपने ईंट लगाई उसी के साथ साथ दक्षिण दिशा के अंदर लगाएं। फिर दक्षिण दिशा की ईंट के साथ साथ फिर पश्चिम दिशा के अंदर लगाएं और पश्चिम दिशा के ईंट के साथ साथ उत्तर दिशा के अंदर आपने नीम लगाई और उसके अंदर वो पांचों छोटे कलश जो है ना वो स्थापित कीजिए। उन्हीं के अंदर नाग नागिन जो है होने चाहिए। उन कलशों के अंदर दूर्वा, बड़की जटा ये विशेष करके आप रखिए और फिर बाद में ऊपर जो पुराना जो ईंट है आखिरी ईंट वहां पर ऊपर रख करके और फिर उसके चारों तरफ मसाला लगा करके और ईंटों की आवश्यकता है तो और भी ईंट आप ले सकते हैं, उनको लगाना चाहिए। और लगाने के पश्चात वहां एक दीपक नित्य प्रति आपको जलवाना चाहिए और वो दीपक है क्षेत्रपाल का जो उस जगह की रक्षा करने वाला होता है। इस विधि से आपको ये पूजन करके आखिरी में फिर देवताओं का आरती अर्चन करके और उनका विसर्जन करें, यजमान को आशीर्वाद दें और इस प्रकार से जो है ये विधान होता है। आपकी अगर क्षमता है तो वहां उसके पश्चात कुछ अन्नदान करना चाहिए और साथ ही साथ के अंदर महामृत्युंजय के जितने भी आप जाप जो है करवा सकते हो वो आपको करवाना चाहिए। ये उसकी संपूर्ण विधि मैंने आपको बताई है और इसको जान करके आप लाभ उठाएं और विद्वान ऐसा ही बुलाएं जो इस सारी विधि को समझता हो, जानता हो, करवा सकता हो। अब बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और भी बाकी आपको ज्योतिष वास्तु से संबंधित जो भी कोई जानकारियां चाहिए वो जान करके और आपको लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।